अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तख्त, लाल आगे आए बैठे इन तख्त। श्री महामति कहे ऐ मोमिनो, ए बेवरा तीनों का कहया तुम, कहूँ आगे और मजल की, जो दिखाया खेल हुकम, जो दिखाया खेल हुकम, फिर कहो श्री जी की। अक्षरती धाम दिनी श्री लालदास जी के धाम हृदय से दीप बंदर की बीतक का वर्णन करवा रहे हैं। आपने कल सुना था किस तरह से श्री जी अहमदाबाद के कारागार से निकले और दीप बंदर पहुंचते हैं। उस समय समय है विक्रम संवत 1722 का, संवत 1722 से दीप पधारे श्रीराज। दीप बंदर में उस समय रहते हैं जयराम कंसारा। जयराम भाई ने तारतम लिया था श्री देवचंद जी से। प्रातःकाल श्री जी जैसे ही पहुंचे, जयराम कंसारा उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। ये व्यवसाय करते थे बर्तन बनाने का। मिहराज को देख करके उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि उनको ये था कि श्री मिहराज ने सतगुरु धनी सिंह देवचंद जी से तारतम लिया है और मैंने भी उनसे तारतम लिया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जब एक ही सतगुरु से दो शिष्य जुड़े होते हैं तो दोनों एक दूसरे को गुरु भ्राता कहते हैं, गुरु भाई। जयराम कंसारा को क्या लग रहा था कि आज मेरे घर कौन पधारे हैं, मेरे गुरु भ्राता श्री मिहराज बता रहे हैं। अंदर के स्वरूप की पहचान नहीं है और मिहराज के तन में कौन बैठ चुके हैं, अब राजी बैठ चुके हैं, उनको पहचान नहीं है। श्री जी जाते ही बैठते हैं और अपनी अमृत वाणी शुरू कर देते हैं। किसी व्यक्ति को जगाने के लिए पहले तो मीठे शब्दों से बोला जाता है, नहीं जागता कुछ कठोर शब्द बोले जाते हैं, उसके बाद भी नहीं जगता तो उसके हृदय को चोट पहुंचाने वाले बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसमें उसके अहित की भावना नहीं होती है, हित की भावना होती है। शुभचिंतक कभी भी सामने मीठी बातें नहीं करेगा। हाँ, मीठा बोलना चाहिए, सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, हितकारी बोलिए, सत्य और अप्रिय न बोलिए। सत्य हो तो उसको भी मीठे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। आप किसी अंधे को बार बार अंधा कहेंगे तो उसके हृदय को कितनी ठेस लगेगी। आप इतना कह दीजिए कि सूरदास जी, लेकिन श्री जी के द्वारा तो लीला चल रही है, श्री जी को भी खुद पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अंदर से राज्य का आवेश स्वरूप उनसे कहलवाता जा रहा है, माध्यम है जीव।
श्री जी ने कठोर शब्दों में जयराम जी को प्रबोधित करना शुरू कर दिया। उनके बैठते ही कहा कि जयराम, श्री देवचंद जी का धाम गमन हुआ, तुम्हारे पास तब भी समय नहीं, बिहारी जी को गद्दी पर बैठाया गया, तुम्हारे पास आने के लिए समय नहीं, जब से तुम देवचंद जी से तारतम लेकर आए हो, बताओ तुमने यहां आकर कितनों की आत्मा को जागृत किया, तुमने क्या चितवनी की, किसी को चितवनी के राह पर ले गए। इतने कठोर वचनों से श्री जी उनको प्रबोधित करते हैं, समझाते हैं, और जयराम भाई शांत होकर के सुनते रहते। इतना तक कह डाला कि इस माया की दुनिया में आज तक किसी को भी शांति नहीं मिली है। कठोर वचनों की ऐसी झड़ी लगी कि उन्होंने उनकी उपमा कुत्ते तक से ले डाली। क्या कहा? चचोड़त ठोर मुर्दार, कोई न अघाया इनमें चचोड़त ठोर मुर्दार। अघाना किसको कहते हैं? तृप्त होने को। जब से दुनिया बनी है संसार के लोग विषयों में तृप्ति खोजते हैं। शराबी शराब क्यों पीता है? सोचता है कि आज मैं पी लूंगा तो मुझे बहुत शांति मिल जाएगी। मरने के समय भी पूछा जाए क्या चाहिए, कहेगा कि मुझे शराब चाहिए। मांसाहारी को क्या चाहिए? मांस चाहिए। मैंने एक व्यक्ति को देखा अपने बचपन में, जब उसके मरने का समय आया जिंदगी भर मांस खाता रहा, यहाँ तक कि चूहा भी खाता रहा, चूहा को भी मारकर खा जाता था, जितने पक्षी मिले कुछ भी मिलता था खा जाता था। मरने का समय आया तब भी उसने कहा कि मुझे मांस खिला दो, क्योंकि अब तो मैं मर ही रहा हूँ। यह है तृष्णा, और यही तृष्णा उसको पशु की योनि में ले जाएगी, जहाँ उसको कच्चा मांस खाना पड़ेगा। कच्चे मांस में कोई स्वाद नहीं होता। कोई जानवर मर जाता है, थोड़े समय के लिए रख दीजिए तो उसमें बदबू आने लगेगी। लोग जिन जिन पशुओं का मांस खाते हैं उसको भी थोड़े समय के लिए ज़्यादा रख दीजिए, फ्रिज में न रखिए, बर्फ में न रखिए, तो उससे भी बदबू आनी शुरू हो जाती है। कोई स्वाद नहीं होता उस मांस में, लेकिन मनुष्य मांस खाने के लिए इतने पशुओं का गला काटता है। अमेरिका में पशुओं को मोटा करने के लिए जितना अन्न खिलाया जाता है, यदि उतना अन्न सारी दुनिया में बांट दिया जाए तो आधी दुनिया बैठे हुए खा सकती है। आमतौर पर लोग कहते हैं ना कि यदि इन पशुओं को न खाया जाए तो ये ज़्यादा हो जाएंगे, फिर कहाँ रहेंगे। ये चिंता उनकी नहीं है, वो तो उनकी जिह्वा बता कह रही है, प्रकृति का सिद्धांत नहीं कहता। प्रकृति ने संतुलन बनाने की सारी व्यवस्था कर रखी है। मनुष्य मांस खाने के पीछे जितना नुकसान कर रहा है उतना नुकसान और किसी चीज से नहीं हो रहा है, और दुनिया का विनाश भी इसी कारण से होगा। मांसाहार और शराब मनुष्य को विनाश की तरफ ही ले जा रहे हैं। जब मनुष्य की बुद्धि में तामसिक प्रवृत्ति अत्यधिक पैदा हो जाएगी तो उसको कौन रोकेगा? एक देश दूसरे पर आक्रमण कर देंगे, क्योंकि सबके अंदर तो मांस भरा है, शराब भरा है। और जब एक दूसरे पर आक्रमण करेगा तो सब एक दूसरे को मारेंगे, सारी दुनिया का अस्तित्व क्या रहेगा। मनुष्य जब मांसाहारी हो जाता है तो तमोगुणी हो जाता है। तमोगुणी व्यक्ति अपना भी विनाश करता है और दूसरे का भी विनाश कर लेता है। मांसाहार आसुरी आहार है, शराब आसुरी आहार है। शराब पीने के बाद मनुष्य को पता नहीं रहता कि विवेक किसको कहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संसार में जो भी आगे बढ़े हैं सतोगुण की भावना से बढ़े। मनुष्य तो रजोगुणी होता है, इसलिए देवता को क्या कहा जाता है? सतोगुणी। मनुष्य को रजोगुणी, और राक्षस को क्या कहा जाता है? तमोगुणी। आज संसार में तमोगुण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मैं एक बार चंडीगढ़ गया था, श्रीवास्तव जी ने एक ऐसी दुकान पर मुझे चलने के लिए कहा, मैं वहाँ गया। चंडीगढ़ की प्रसिद्ध दुकान वहाँ ऐसी थी कि शुद्ध देसी घी से बनी हुई शुद्ध शुद्ध चीज़ें ही मिलती थी।
लेकिन मैंने देखा संयोग से एक भी ग्राहक नहीं था. दुख बेचने वाले दो तीन बैठे थे, ग्राहक एक भी नहीं. और पास की शराब की दुकानों पर देखिए लाइन लगी है, मांस की दुकान पर लाइन लगी है, शराब की दुकान पर लाइन लगी है. और शहर की सबसे शुद्ध दुकान जिसमें आपको शरबत चाहिए, शुद्ध घी की बनी हुई चीज़ें चाहिए, ग्राहक एक भी नहीं. शास्त्रों ने जिस गोघृत को औषधि की संज्ञा दी है उसको खाने वाला कोई नहीं, और मांस को निगलने वाले हर शहर में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे. उत्तर भारत में ठंडे पहाड़ों के लोग तो कहते हैं कि हम गर्मी के लिए खाते हैं, ठंड से बचने के लिए. लेकिन आंध्रा में, तमिलनाडु में तो बहुत गर्मी पड़ती है, वहाँ के लोग मांस के बिना भी रह नहीं पाते. वहाँ गर्मी होती है तो भी लोग मांस खाते हैं, ये एक प्रवृत्ति है, बहाना है. अन्यथा गुफाओं में रहने वाले लोग, ऋषि मुनि, योगी यति, क्या बिना मांस के उनका गुजारा नहीं होता? वो तो गर्म चीज़ कुछ भी नहीं खाते. ये मनुष्य बहाना बना लेता है तृष्णा के पीछे. जीवा पर कोई भी पदार्थ रखिए, उसका स्वाद क्या है? थोड़ी देर के लिए. आप स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पदार्थ को जब जीभ पर रखेंगे तो अंदर ना निकलिए, थोड़ी देर के लिए रखे रहिए. पूछिए क्या स्वाद आता है? कुछ नहीं. किसी भी पदार्थ का स्वाद थोड़ी देर के लिए होगा, उसके बाद वो बेस्वाद हो जाएगा. लेकिन इसके पीछे मनुष्य न जाने कितने पाप कर्म करता है. सारे विषयों की ही कहानी है. कोई न अघाया इनमें, चचोड़त ठौर मुर्दार. ये सारा संसार क्या है? मुर्दार, मरे हुए का मांस के समान है. एक उपमा दी श्री जी ने कि जैसे हड्डी को कुत्ता देखते ही उस पर टूट पड़ता है और उसको लेकर के भागता है, अकेले में बैठेगा, हड्डी को अपने दांतों से दबाएगा, उसके जबड़े से खून निकल जाता है, हड्डी की नोक से अपने ही खून को चाटता है और सोचता है कि हड्डी में बहुत स्वाद आ रहा है. ऐसे ही विषय की कहानी है. मनुष्य किसी भी विषय को भोगेगा तो सोचता है कि बहुत मजा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा होता है. उससे उसकी इंद्रियों का तेज क्षीण होता जाता है. आज भारत के नौजवानों का चेहरा देखिए, क्या दुखद कहानी है. धसी हुई आंखें, पिचके हुए गाल, शरीर में शक्ति नहीं. ये क्यों? चाय ने, कॉफी ने, शराब ने, मांस के सेवन ने, नशे के सेवन ने ये कर दिया. पंजाब तो कभी वीरों की धरती कहलाता था, आज पंजाब में नशे ने क्या हाल कर रखा है. वहाँ के नवयुवक नशे में धुत गिरे रहते हैं, पता ही नहीं है कि वो किस वीरों की धरती के भाग के रहने वाले हैं. पूरे देश का क्या, सारे संसार का यही हाल है. कहीं भी चले जाइए, विदेशों में एक अंग्रेज सवेरे नाश्ता करेगा तो उसको मांस चाहिए, शराब चाहिए. दोपहर को भोजन करेगा, मांस चाहिए, शराब चाहिए. रात को भी मांस और शराब चाहिए. संवेदना विहीन संसार होता जा रहा है, केवल तृष्णा के पीछे भागा जा रहा है. और आप कसाई खानों में जाइए, किस तरह से पशुओं को मारा जा रहा है, तड़पा तड़पा कर. और अपने को सभ्य कहलाने वाला मानव उस पशुओं के मांस को नोचता है, तल भून करके पकाता है, हड्डी चूसता है, पेट को कब्रिस्तान बनाता है. और फिर मंदिर में पहुंच जाएगा, मस्जिद में पहुंचेगा, गिरजाघर में पहुंचेगा, गुरुद्वारे में पहुंचेगा, कहेगा कि हे परमात्मा मेरा कल्याण कर दे. क्यों करेगा परमात्मा? क्योंकि ये तो कर्मभूमि है. जैसा मनुष्य दूसरे प्राणियों की हत्या कर रहा है, इस पाप की सजा किसी न किसी रूप में सबको भोगनी पड़ती है. क्यों प्रकृति का प्रकोप होता है? इसी कारण. मैं वही दृष्टांत दे रहा था कि कुत्ता हड्डी में अपने ही खून को चूस करके खुश होता है. उसको पता नहीं कि तू अपने ही खून को चूस रहा है. श्री जी कहते हैं कि भाई जयराम कंसारा, कोई ना घाया इनमें, चचोड़ ठोर मुर्दार. तू तो कुत्ते की तरह से विषयों में लगा है, कबलो कैसा कुटेगा तू, कबलो घन एहरन. तुम एहरन पर हथौड़े से मार मार कर कब तक कांसे के बर्तन बनाते रहेगा? उनका व्यापार क्या था? कांसे के बर्तन बनाया करते थे.
पीठ टेढ़ी हो गई है जयराम भाई की, लेकिन एक ही धुन है कि इतने बर्तन बना लो, इतना पैसा कमा लो। श्री जी फटकार रहे हैं जयराम कंसारा को कि जयराम कंसारा, तुमने सुंदर साथ की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की, मेरे से पहले तारतम लिया, कभी चितवनी की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं गया, ये नहीं सोचा कि परम धाम से तुम आए हो, तुम्हारा घर यह नहीं है, और तुम इसी संसार के विषयों में, पोते पोतियों में, घर के लोगों के भरण पोषण में लगे हो, अपनी आत्मा की तरफ तुमने ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने इतने कठोर शब्दों को कहा तो जयराम कंसारा ने बुरा नहीं माना, सुन के रोइया, उनकी आंख से आंसू निकल पड़े। अरे कहा कि महाराज तुम्हारे रूप में स्वयं राज जी ही आए हैं, रसोई का आदर किया, नहवाए श्री महाराज, बैठे रसोई में ने और उगाए श्री राज, और उगाए श्री राज लिखा है, क्या मान करके भोजन किया कि आज महाराज के रूप में स्वयं श्री राज जी आए, क्योंकि पहचाना कि राज्य के सिवा अन्य कोई भी नहीं है जो माया में मुझे जगाने के लिए स्वयं चल करके आए। किसको पड़ी है? आप देखेंगे, आप अभी तक का प्रसंग सुन रहे हैं, आगे आएगा। सारा संसार सो रहा होता है, श्री जी के साथ सैकड़ों हजारों की जमात है, गांव गांव में, नगर नगर में भ्रमण हो रहा है, एक वन से दूसरे वन में प्रस्थान हो रहा है, कहीं पैदल चल रहे हैं, कहीं भिक्षा में मिला हुआ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। किसके लिए? परमधाम की आत्माओं को जगाने के लिए। उस युग में आज से 300 वर्ष पहले न मोबाइल फोन था, न टीवी थी, न इंटरनेट था, न यूट्यूब था, कुछ नहीं था। उस युग में कल्पना कीजिए, ट्रेनें नहीं थी, कारें नहीं थी, पैदल चलिए, बैलगाड़ी पर चलिए, घोड़े पर चलिए, तो हजारों सुंदर साथ को घोड़े पर कैसे ले जाया जाए, सब पैदल चलते हैं। आज तो हम सुंदर साथ फ्लाइट में चले जाते हैं, कहीं प्रवचन करना होता है, ट्रेनों में चले जाते हैं, कारों में चले जाते हैं, कितना कठिन समय है। और श्री जी दीप बंदर पहुंचते हैं, वो भी पैदल चल करके। तो क्यों न सोचें कि आज तक हमारी सुध लेने वाला इस संसार में कौन है? मर जिया हो काढ़ी मुझे, मिने मोहम्मद मोती पहचान। इंद्रावती जी की आत्मा कहती है कि राजी, इस मोह सागर में आपके सिवाय कौन था जो हमें निकाले? आपने गोताखोर होकर भव सागर में गोता लगाया और मुझ इंद्रावती की आत्मा को भव सागर में से निकाला। न था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार, लेकिन आपने यहीं बैठे बैठे हमको परमधाम दिखा दिया। ये परमधाम का ज्ञान दिलाने वाली वाणी हमारा मार्गदर्शन करती है। यदि ब्रह्मवाणी के ज्ञान को ग्रहण कर हम ईमान पर खड़े हो जाएं, अपने हृदय में धनी का प्रेम ले लें, तो यहीं बैठे बैठे सारा परमधाम नजर आएगा। लेकिन सतगुरु धनी सिद्धदेव चंद जी से ज्ञान लेने के पश्चात भी जब जयराम कंसारा माया में लिप्त रहे, उम्र काफ़ी बीत चुकी है, 1712 में श्री देवचंद जी का धाम गमन होता है और 1722 में श्री महाराज वहाँ पहुँचते हैं। श्री जी 10 वर्ष के अंदर जब देखा कि जयराम कंसारा ने कोई आत्मिक प्रगति नहीं की, तो उनको झिझोड़ा, फटकार लगाई कि भाई जयराम कंसारा तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए। जब भोजन कर लिया तो सबने अर्ज की कि धामधनी अब पौढ़िए। श्री जी क्या उत्तर देते हैं? हम न आए पौढ़ने, हमारी तो और गरज, मैं आराम करने के लिए नहीं आया हूँ। जिस तन में भी राज्य लीला करेंगे वो तन आराम करने के लिए नहीं बनाए। आराम कौन करेगा? जो किसी मठ का मालिक होगा, किसी स्थान का महंत होगा, वही उसको तो आराम करना है। जितने ब्रह्मुनि हुए हैं, परमहंस हुए हैं, उन्होंने जीवन में कभी आराम नहीं किया है, क्योंकि उनका आराम किसमें है? परम धाम के आनंद में। वाणी में स्पष्ट लिख दिया है, यो चाहिए मोमिन को रू सुड़ने रू उड़े सुनते हक नाम, बेशक अरसे होए के क्यों खाए पिए करे आराम। यदि वाणी का प्रकाश मिल गया तो खाने पीने में आराम
हम सोचते हैं तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। क्यों खाए पिए करे आराम, वो तो आगे अंदर उजली खिन खिन बढ़त उजास, दे भरोसा ना करे पिया मिलन की आस। परम धाम की ब्रह्मात्मा संसार के झूठे विषयों का सुख लेने के लिए नहीं आई है, वो कोमल गद्दों पर सोने के लिए नहीं आई है, ऐसी कमरों का सुख भोगने के लिए नहीं आई है। उसके परम धाम में तो अनंत आनंद है, उस आनंद को एक सागर माना जाए तो उसकी एक बूंद बेहद मंडल में है, और बेहद मंडल को एक सागर माना जाए तो उसकी एक बूंद निराकार के अंदर आएगी। निराकार के सुख को एक सागर माना जाए तो एक बूंद वैकुंठ में है, और बूंद मानिए या लहर मानिए, वैकुंठ को एक सुख का सागर माना जाए तो पृथ्वी पर के सारे सुखों को एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो एक लहर मात्र है। इसलिए कोटराज वैकुंठ के न आवे इतके खिन समान, करोड़ों वैकुंठ के राज भी परम धाम के एक पल के आनंद के बराबर नहीं आ सकते। आप यदि एक पल के लिए भी ध्यान में बैठ जाइए, आप राज्य के ध्यान में डूब जाइए, आपको परम धाम दिखने लगा, राज्य दिखने लगे, उस एक पल में इतना आनंद मिल जाएगा कि सारी सृष्टि का आनंद आपको दे दिया जाए तो आप उसको लात मार देंगे। लेकिन सदगुरु धनिष्ठ देवचंद जी से इतना सुनने के पश्चात भी जयराम कंसारा जब संसार में फंसे हुए थे तो श्री जी ने उनको फटकार लगाई। अब श्री जी पुनः शुरू हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई हम न आए पौड़ने, हमारी तो और गरज। सुंदर साथ ने जयराम कंसारा के परिवार के सभी सदस्यों ने कहा कि धामदेनी अब आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। श्री जी कहते हैं कि मैं आराम करने वाला नहीं हूँ, मैं तो किसी और कार्य से आया हूँ। जयराम कंसारा कभी यह तो याद करो, कैसा तुमसो प्रेम ब्रज में करते श्रीराज, राज्य श्री कृष्ण के तन में लीला कर रहे थे और उस समय उन्होंने तुमसे कितना प्रेम किया, तुम्हारी आत्मा गोपियों के तनों में थी। तुम जब तक श्री कृष्ण जी यमुना के किनारे से लौट नहीं आते थे, तुम ब्रज में घर पर उनकी प्रतीक्षा करते थे। वाणी में वर्णित आता है, वर्णन आता है किस तरह से जब बछड़े लेकर के श्री कृष्ण जी यमुना के किनारे जाते थे तो पूरा दिन गोपियों का रोते हुए बीत जाता था। लेकिन आज स्थिति क्या है कि माया में तुम्हें संसार का एक झूठा तन मिला है, एक झूठा परिवार मिला है, उसके मोह में इतने जकड़ गए हो कि तुम्हारे पास एक घंटा भी राज्य को याद करने के लिए समय नहीं है। तरह तरह से प्रबोधित करते हैं कि तुम्हारा मूल घर क्या है। जयराम कंसारा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? जिस परम धाम में तुम्हारे मूल तन बैठे हैं, उन परम धाम के मूल तनों की तरफ तुम्हारा ध्यान जरा भी नहीं रहा कि ब्रज में तुम रहते हुए भी तुमने संसार को पीठ दिए रखा, और उसमें तो कोई परम धाम का ज्ञान नहीं था। तुमको तो सतगुरु धनिष्ठ देवचंद जी ने यहीं बैठे बैठे ब्रज रास और धाम की भी सुध दी, लेकिन तब भी तुम्हारी आत्मा जागृत नहीं हो पाई। ये रास के पांच प्रकरण हमें पहला मोहजलनी से लेकर आगे के पांच प्रकरण वही दीप बंदर में उतरे हैं, और जयराम कंसारा को प्रबोधित करने के लिए। अभी आप थोड़ी देर पहले सुना था, हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात, देखता दुख रूपी दिन रात। सारा संसार ही दुख में है। यदि आपको सारी पृथ्वी का राज्य दे दिया जाए और आप सोचे कि मैं सुखी हूँ तो एक भ्रम है। सारी पृथ्वी का राज्य मिलने के बाद भी आपको सुख नहीं मिल सकता। एक व्यक्ति घर बनाता है, विवाह करता है, अपना परिवार बसाता है, सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊँगा। वो सोचता है 10 कारें खरीद लूँगा, 10 कोठियाँ बना लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा। नहीं, कुत्र अपि को अपि न सुखी। कपिल जी ने डिंडिम घोष के साथ कह दिया, इस सृष्टि में कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है।
चाहे राजा हो प्रजा हो, केवल वह सुखी है जिसने अपनी आत्मा के हृदय में उस परमात्मा का साक्षात किया कर किया है। तम आत्मस्थम ये अनपसंत धीरा तेसाम सुखम शास्त्रम न इतरेसाम। माया में कोई सुख नहीं है। हवे पहला कहूँ वो जलनी बात तेता दुख रूपी दिन रात दावा नल वले कई भान तेड़ी केटली कहूँ विख्यात। तीन तरह की अग्नि होती है। सूर्य की अग्नि तो सबको मालूम है, चूल्हे में जलने वाली अग्नि सबको मालूम है। एक अग्नि होती है दावाग्नि, दावानल जिसको कहते हैं। वनों में वृक्षों की लकड़ियां आपस में टकराती हैं, रगड़ से आग पैदा होती है और उस आग से सारा वन जल करके राख हो जाता है। समुद्र में पानी के घर्षण से आग पैदा हो जाती है और वह आग पानी को जला डालती है। आप उसको कहते हैं बड़वानल। और एक है जठरानल, जठराग्नि। आपके शरीर में भी अग्नि है। आप कुछ भी खाते हैं, कच्चा खा लीजिए तो भी पक जाता है जैसे आग से पकाया हो। जिसके शरीर में जठराग्नि होती है उसी का जीवन होता है। जठराग्नि कमजोर होती है, स्वास्थ्य कमजोर होने लगता है। ये तीन तो अग्नियां हैं जो प्रत्यक्ष में स्थूल रूप में दिखाई देती है, जठराग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि। लेकिन जो हमारी मानसिक अग्नियां हैं, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, विषयाग्नि, ईर्ष्याग्नि, द्वेष अग्नि, ये तो दिखाई नहीं देती। इसके लक्षण दिखाई देते हैं। ये तो हर प्राणी के अंदर जल रही है। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, तृष्णा की अग्नि जल रही है। चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य, देवी देवता तक इन विकारों की अग्नि से बचे नहीं है। उस प्रकरण में सारी यही बात समझाई गई है। ए ऊपर हवे सु कहूं बीजा नाम ते कहना लू एड़े बचने सर्वाल्यो थो ब्रह्मांड धन सर्वे आवियो। अक्षर की पंच बसनाओं को इस माया ने नचा डाला है तो दुनिया के जीव भला इसे कैसे बच सकते हैं। आप देखिए संसार में मनुष्य सवेरे आंखें खोलता है, चाहे बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध हो, भोजन करता है। उसकी आंखें संसार में सुख खोजना चाहती हैं। क्या करेगा? अच्छे अच्छे पदार्थ खाएगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छे अच्छे वाहनों में घूमेगा, संगीत सुनेगा, किसी न किसी तरह से मन को आनंदित देना चाहता है। लेकिन क्या उसको आनंद मिलता है? पूरा दिन गुजर जाता है, पूरी रात बीत जाती है, सवेरे वही चक्र चलता रहता है। दिन गुजरता है, रात गुजरती है, करते करते उम्र बीतने को आ जाती है, फिर वही तृष्णा उसका दामन नहीं छोड़ रही है। इसलिए कहा है कि तेता दुख रूपी दिन रात। ये मोह जल ऐसा है, स्वर्ग में जाइए, वैकुंठ में जाइए, सारी पृथ्वी का राज पा लीजिए, फिर भी कहीं सुख शांति नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, सिकंदर भी निकला था सारी दुनिया को जीतने के ख्वाब से, तैमूर लंग निकला था, मोहम्मद गोरी, गजनवी, सब आतंक फैलाए, लाखों की गर्दनें अपनी तलवारों से काट लिए। किस के लिए? कि हमको अधिक से अधिक धन मिल जाएगा, हम धन से खूब सुंदर महल बनाएंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे पिएंगे। लेकिन काल ने उनको भी छोड़ा नहीं, एक दिन वो भी दुनिया से चले गए। ये तृष्णा है। जर जरू और जमीन के लिए इतनी लड़ाइयाँ होती हैं। किसी युद्ध का दृश्य देखिए कितना भयानक होता है। आजकल तो लड़ाई हो जाती है, गोली लगती है, थोड़ी देर में प्राण निकल जाते हैं। पुराने जमाने में लड़ाई होती थी, तीर भाले बरछी चलते थे, किसी को भाला लग गया, तीर लग गया, देर तक तड़पता था, तड़प तड़प कर प्राण छोड़ता था। किसके लिए दुनिया लड़ रही है? धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, स्त्री के लिए। दुनिया जब से पैदा हुई है लड़ रही है, लड़ती रहेगी, क्योंकि इसमें रज और तम का प्रवेश है। आप तो सुख शांति से बैठे हैं, जहां आईएसआईएस वाले आतंक फैला रहे हैं, आपने उनका दृश्य हो सकता है टीवी पर देखा हो, दोनों हाथ पीछे बांध देते हैं और तलवार से एक झटके में गर्दन उड़ा देते हैं या गर्दन पर रेत रेत करके काटते हैं। उनके अंदर दया है क्या? धर्म है? क्यों? इस संसार में इतना दुख है। जिसकी गर्दन काटी जाती होगी उस प्राणी को कितना पीड़ा होती होगी।
कभी किसी ने सोचा है कि कसाई खानों में जिन प्राणियों का मांस लेने के लिए तड़पाया जाता है, गर्म पानी के फवारे से उन जानवरों के ऊपर गिराया जाता है, वो चिल्लाते हैं, जिंदे ही उनकी खाल निकाली जाती है, फिर धीरे धीरे काटा जाता है, खून को अलग भर लिया जाता है, किस लिए? मनुष्य कम अत्याचार नहीं कर रहा है और दूसरे प्राणियों पर अत्याचार करता है, फिर मनुष्य में वही प्रवृत्ति भयानक हो जाती है। आप सारे संसार में जहाँ जाएंगे दुख ही दुख मिलेगा। आप किसी बड़े नगर में जाइए, दिल्ली में कुछ क्लब मिलेंगे जहाँ आपको कुछ मनोरंजन होगा, लेकिन आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाइए, श्मशान घाट में चले जाइए, तो आपको संसार की सच्चाई का पता चलेगा। श्मशान घाट में चले जाइए और पूछिए कि दुनिया कितनी सुंदर है, दुनिया में कितना आनंद है। एक अर्थी आ रही है, जलाया जा रहा है, कुछ लोग लोर रोगा करके जा रहे हैं, फिर दूसरी आ रही है, कहीं दाएं चीता जल रही है, बाएं जल रही है, आगे जल रही है, पीछे जल रही है। जहाँ चिताएं जल रही हैं वहाँ जाकर पूछिए कि संसार में क्या सुख है। जहाँ शादी विवाह होते हैं, होटल में लोग नृत्य देख रहे होते हैं, अच्छे खा पी रहे होते हैं, फिर भी विवेक किसी को नहीं होता है। संसार में यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, दूसरों को मरते हुए देखकर मनुष्य ये नहीं सोचता है कि मुझे भी मरना पड़ेगा और एक दिन मेरा भी यही हाल होगा। ये मनुष्य को विवेक नहीं होता। यदि विवेक हो जाए तो मनुष्य अपने कल्याण के बारे में सोचे, लेकिन दूसरों के बुढ़ापे को देखकर नौजवान हंसता है या नहीं सोचता है कि एक दिन तेरी भी यही हाल होने वाली है, तू भी एक दिन बूढ़ा होगा, तू भी एक दिन मरेगा। लेकिन ये संसार प्रवाह है से चल रहा है, ये माया आदि अनाद की चली जात अंधेर, निर्गुण हो सरगुण हो के व्यापक सब आए फिर है। तो सब कुछ इस मायावी जगत में चल रहा है। श्री जी वही प्रबोध कर रहे हैं कि भाई जयराम कंसारा, तुम ब्रज में थे, माया तुमको इतनी नहीं लग पाई थी जितनी कि जागनी ब्रह्मांड में लगी है। जागनी ब्रह्मांड में सुंदर साथ को ज्ञान है, ब्रज में ज्ञान नहीं था, रास में ज्ञान नहीं था, लेकिन प्रेम था, समर्पण था, श्रद्धा थी। एक श्री कृष्ण जी के पीछे सारा ब्रज पागल है। आज जागनी ब्रह्मांड में सबके पास वाणी है, लेकिन प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है। राज जी वही कहते हैं कि ब्रज में तुम्हारी भी तो आत्मा थी, तुमने कभी संसार की तरफ नहीं देखा, घर में रहते हुए भी संसार से अलग रहे। इसके पश्चात जब राज जी ने बांसुरी बजाई, तुमने गोपद वच की तरह संसार को छोड़ दिया। गोपद वच किसको कहते हैं? वच का अर्थ होता है बछड़ा। गाय के बछड़े का खुर कितना बड़ा होता है? छोटा सा, यानी 2 इंच का लगभग, 2-2.5 इंच का। गाय का बछड़ा जब धूल में दौड़ेगा तो गड्ढा बन जाएगा, और उस गड्ढे में पानी भर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? भवसागर। उसको पार करने में कितना समय लगता है? एक पैर इधर रखा, एक पैर उधर रखा, 1 सेकेंड के अंदर उसको पार कर लेते हैं। ब्रज की गोपियाँ प्रेम के बल पर, सो सहजे घर आइया, जाको वेदे कहया अगम। प्रेम के बल पर, प्रेम और समर्पण के बल पर सरलता से उस गोपद वच के समान संसार को पार कर लिया, जिसको सुख संकादिक ने न टली, लक्ष्मी नारायण ने फरी वली, विष्णु वैकुंठ लिदा माये सागर सुखन्न मुख्या गाय। सुखदेव जी जिस माया से हार गए, संकादिक हार गए, ब्रह्मा विष्णु शिव हार गए, जिस माया ने इनको नचा डाला, उस माया को गोपियों ने केवल प्रेम के बल पर जीत लिया। जागनी लीला में यही हंसी हो रही है। ब्रज में ज्ञान नहीं था लेकिन प्रेम था, रास में आधा ज्ञान था लेकिन प्रेम लबालब भरा था। वही ब्रज और रास की याद दिला रहे हैं कि जब तुम्हें कुछ पता नहीं था तो तुमने परम धाम के प्रेम को लेकर के माया को ठुकरा दिया, लेकिन अब तुम्हें जागनी के ब्रह्मांड में सब कुछ सदगुरु धनिष देवचंद जी ने बता दिया, जयराम कंसारा, फिर भी तुम माया को छोड़ना नहीं चाह रहे। कैसे तुम ब्रज से रास में गए गोपद वच की तरह? बांसुरी की आवाज़ सुनते ही सब ने घर को छोड़ दिया, अपना तन छोड़ दिया। आप सोचिए, बांसुरी बजाने वाला दिख नहीं रहा है, केवल आवाज आ रही है और लग रहा है कि उस बांसुरी से राज जी हमें पुकार रहे हैं। विरह में व्याकुल गोपियों ने अपना तन छोड़ दिया,
राजसियों ने श्रृंगार करना चाहा तो उल्टे पुल्टे श्रृंगार कर लिया, तामसियों ने आवाज सुनते ही शरीर छोड़ दिया, और स्वांसी ने थोड़ी देर कर दी फिर भी विरह में तन छोड़ी। आज कितनी हंसी की बात है, 350 वर्षों से अधिक समय से ब्रह्मवाणी की बांसुरी बज रही है, किसने अपना तन छोड़ा? कोई कोई बिरले परमधाम की आत्मा होती है जो अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट देती है, सुखाती है कि मुझे राज्य मिले, चाहे परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी हों, बाबा दयाराम हों, या जो भी बड़ी बड़ी ब्रह्मात्माएं हुई हैं, उन्होंने अपनी आत्मा को जागृत किया है, शरीर के सुख की चिंता नहीं की, देह भरोसा ना करें पिया मिलन की आस। लेकिन आज स्थिति क्या है आप सोचिए, जयराम कंसारा ने केवल घर पर रह करके अपना व्यवसाय कर रहे हैं, संसार का सुख नहीं भोग रहे हैं, श्री जी उनको फटकार रहे हैं कि और कितने दिन तक तुम अब दुनिया का अपमान झेलोगे, क्योंकि बुढ़ापे में क्या होता है, बुढ़ापे में एक बहुत बड़ी समस्या होती है, शरीर साथ देता नहीं, घर में रहना है तो बहू और बेटे को भी खुश रखना है, पोते और पोतियों को भी खुश रखना है, दोहते और दोहतियों को भी खुश रखना है, और अपने जीव के लिए कुछ करना भी पड़ेगा। लेकिन आसक्ति ऐसी होती है कि बुढ़ापे में आसक्ति और बढ़ जाती है, जवान को उतनी आसक्ति नहीं लगती जितनी कि बुढ़ापे में लग जाती है, क्योंकि इंद्रियां शिथिल होती है, एक लगता है कि संसार में हम बेसहारे हैं, बेटा बेटी को छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ, तो उनके जो पुत्र पुत्री हैं उनको भी तो खुश रखना ही पड़ेगा, और यही आसक्ति बढ़ते बढ़ते अधिक बढ़ जाती है, इतनी कि राज्य उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। मैं नहीं कहता कि रिश्तों को भुला दीजिए, सबके साथ रिश्ता निभाइए, लेकिन संतुलन बनाए रखिए, पोते से भी प्रेम कीजिए, पोती से भी कीजिए, बेटे से भी कीजिए, बेटी से भी कीजिए, पति से भी संबंध रखिए, पत्नी से भी रखिए, पुत्र से भी रखिए, लेकिन पहला प्रेम राज्य के लिए, हमारा समर्पण पहले राज्य के लिए, उसके बाद कोई और हो, यदि हम ऐसा करते हैं तो सब ठीक चलेगा। लेकिन राज्य को पीछे करके संसारिक रिश्तों को हम प्राथमिकता देते हैं, यहीं से हमारे पांव फिसलना शुरू हो जाते हैं, और जानते हैं जब एक बार पांव फिसल जाता है तो आदमी खाई में गिरता है तो उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि संसार की तृष्णा ऐसी है जिसमें लगता है कि यही अच्छा है। जैसे मैंने कहा, श्री जी ने दृष्टांत दिया जयराम कंसारा, जैसे कुत्ता हड्डी चूसकर खुश होता है, वैसे ही बुढ़ापे में तुम्हारी पीठ टेढ़ी हो गई है, कब लो कासा कूटेगा, कब लो एहरन, ये तो तुम्हारे, तुम परिवार में रहकर अपमानित जीवन व्यतीत कर रहे हो, इससे तुम्हें मिलने वाला क्या है, तुम परमधाम की आत्मा हो जो ब्रज में आए थे, तुमने देखो तुमने शरीर छोड़कर अपने प्रीतम से मिलन किया, और रास में जब गए तो कैसे राजी ने तुमको उथले वचन कहे कि तुम वापस लौट जाओ, तुमने क्या कहा था कि राजी हम आपको छोड़कर क्यों जाएं, हमने अपने घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, हम आपके लिए आई हैं क्योंकि आप हमारे हैं। वेद में एक बहुत अच्छा मंत्र आया है जिसमें कहा गया है, वयम तो हम आपके, त्वम अस्माकम और तुम हमारे, हे परमात्मा तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं, हमारे और तुम्हारे बीच में कोई और तीसरा नहीं आ सकता। लेकिन हमने तो राज्य को एक छोटा सा देवता बना रखा है, सवेरे मत्था टेक लिया, दो चार चौपाई पढ़ने पढ़ ली, तारतम का पाठ पढ़ लिया, इससे क्या हो गया, हमने परिवार को 18 घंटे दिया, 6 घंटा 5 घंटा सोए, राज्य के लिए 10 मिनट, ये कितनी उपेक्षा भरी बातें हैं। संगे संबंधी रिश्तेदार आते हैं, हम उनसे घंटों बातें करते हैं, मित्रों से घंटों बातें करते हैं, बहनें अपनी सहेलियों से बातें करती हैं, राज्य के लिए बहुत थोड़ा समय, इसका कारण क्या, हमारा मन संसार में ज़्यादा भटका हुआ है। श्री जी जयराम कंसारा को ऐसे ही कठोर शब्द सुना रहे हैं कि जयराम कंसारा यह संसार है, तुम तो मोह के जीव नहीं हो, संसार के जीव ऐसा करें तो क्षमा है, लेकिन तुम तो परमधाम की आत्मा हो, तुम याद करो जब राज्य ने उथले वचन कहे थे तब भी तुमने कहा कि नहीं राज्य हम आपके हैं
और हम आपके बिना नहीं रह सकते। कैसे तुमने रास में क्रीड़ाएँ की? रास क्रीड़ा करने के पश्चात तुमने यमुना जी में झीलना किया, वनफल अरुगाया, और जब राजी ने पूछा कि बताओ तुम्हें नित्य वृंदावन कैसा लगा, तुमने कहा कि नहीं हमें ये कष्टकारी लगा, क्योंकि आप इसमें से अलग हो जाते हो। हवे वाला हो एटलू मांगू कि एक अलगा न थइए। जी हाँ, हमने विरह नहीं, चालो ते घर जाइए। आप वहाँ चलिए जहाँ हमें विरह न सता सके, हम आपसे कभी अलग नहीं हो सके। रास में तुमने अलग न होने की बात की, लेकिन इस जागनी के ब्रह्मांड में तुम अलग क्यों हो गए हो? सतगुरु धनिष देवचंद जी के अंदर राज्य ने विराजमान होकर के लीला की है, लेकिन जब बिहारी जी को गद्दी पर बैठाया गया तब भी तुम्हारे पास समय नहीं, तुम्हारे पास अपनी आत्मा की जागृति के लिए समय नहीं है। पूरा परिवार दत्चित होकर के श्री जी के मुखारविंद से होने वाली चर्चा को सुन रहा है। सबको अपनी भूल का प्रायश्चित हो रहा है कि हमने कितने बड़ी भूल की जो इतना समय गुजार दिया। यदि आपका 1 लाख रुपये नष्ट हो जाता है तो आप 2 लाख कमा सकते हैं, लेकिन जो एक पल व्यर्थ में चला गया, आप अरबों रुपया दे देंगे तो भी आपका एक पल आने वाला नहीं है। यदि आपकी उम्र 80 साल 90 साल 100 साल है, आपका एक दिन भी बिना राज्य के चितवनी के गुजर गया, तो समझिए कि वह दिन निरर्थक गुजर गया, वह दिन आपको इस दुनिया में दोबारा मिलने वाला नहीं है। उम्र तो पल पल घट जा रही है। हमारी उम्र 40 साल की हो गई, 50 साल की हो गई, 60 साल की हो गई, तो हम जन्मदिन मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं कि देखो मैं इतने साल का हो गया, ये तो नहीं सोचते कि हमारी उम्र उतने निकल गई। बच्चा जिस दिन जन्म लेना लेता है उसी दिन से उसकी उम्र घटनी शुरू हो जाती है, और दुनिया जन्मदिन मनाकर खुश होती है कि मैं इतने साल का हो गया। लोग अपने विवाह का भी वर्षगांठ मनाते हैं आजकल। आत्मा का परमात्मा से मिलन की कोई वर्षगांठ नहीं मनाता। कोई ये नहीं सोचता कि हमने 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, हमारे तारतम लिए हुए हमारी आत्मा ने अपने प्राणेश्वर को देखा क्यों नहीं, उनसे बातें क्यों नहीं की। जागनी ब्रह्मांड में यही तो परीक्षा है। परीक्षा क्या है? इनविध देने ईमान उपजाओ ने इस सो इसके बिना न पाइए जो नूर तजल्ला हक। प्रेम की दौड़ में कोई कितना आगे बढ़ता है? प्रेम कहाँ से आएगा? विरह से। विरह कहाँ से आएगा? जब युगल स्वरूप की शोभा को आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपके अंदर विरह फूटेगा, और जब आप संसार को देखकर इसकी तरफ आकर्षित होंगे तो विरह आपसे दूर होता जाएगा। परिणाम यह होता है, अब धीरे धीरे श्री जी की चर्चा का प्रभाव पड़ता जाता है। काफ़ी सुंदर साथ की वहाँ जागनी होती है, 50-60 सुंदर साथ वहाँ जागृत हो जाते हैं, लेकिन जहाँ सत्य का प्रकाश होता है उसकी बाधा भी खड़ी हो जाती है। संसार में आप कहीं भी जाइए, राम है तो रावण है, कृष्ण है तो कंस है, उजाला है तो अंधकार अवश्य रहेगा, सत्य का उद्घोष होगा तो उसका विरोध अवश्य भावी है। जो वहाँ पहले से कथा चली आ रही थी भिन्न भिन्न देवी देवताओं की, जो कथावाचक थे, रामायण की, भागवत की, महाभारत की कथा सुनाने वाले, द्वीप बंदर में रहने वाले कथावाचक पंडितों को बहुत बुरा लगा कि उनके पास अक्षर अक्षरातीत का ज्ञान नहीं था। किस्सा कहानियों से क्या होता है? समाज का मनोरंजन भर होता है। आपको मालूम है कि गोवा दमन और द्वीप, इसमें पुर्तगालियों का शासन था। जो गोवा गए हैं वो जानते हैं कि वहाँ धर्मांतरण करने के लिए पुर्तगालियों ने हिंदू जनता पर इतने अत्याचार किए थे कि शायद तैमूर लंग भी होगा तो उसकी रूह कांप जाए। और उस द्वीप बंदर में, मैं द्वीप बंदर जाकर के देखा हूँ, समुद्र के किनारे हैं, ऐसा लगता है कि टापू जैसा है, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है द्वीप बंदर। वहाँ श्री जी गए थे, जयराम कंसारा को प्रबोधित कर रहे हैं, और जयराम कंसारा जागृत होकर के आनंद मग्न है,
पूरा परिवार जुड़ रहा है, सारे द्वीप बंदर के अधिक से अधिक लोग आ रहे हैं और जिसका जितना अंकुर था वो लाभ ले रहे हैं। लेकिन वहाँ के जो कथावाचक थे उनको बुरा लग रहा है क्योंकि उनकी आमदनी घटनी शुरू हो जाती है। जब आध्यात्मिक क्षेत्र में एक वक्ता देखता है कि मेरे प्रवचन का प्रभाव कम हो रहा है, तो जिसकी आध्यात्मिकता अधिक होगी, भक्ति भाव होगा, वह तो सहन कर लेगा। लेकिन जिसमें आध्यात्मिकता का लेस भी नहीं, केवल शब्द ज्ञान को ग्रहण किया है, वो अपना अपमान सहन नहीं कर पाता और द्वेष की अग्नि में जलने लगता है। उन कथावाचक पंडितों के पास तो परम धाम का कोई ज्ञान नहीं था, बेहद का ज्ञान नहीं था। रामायण, महाभारत और भागवत के किस्सा कहानियाँ उन्होंने सुन रखी थी, वही समाज को सुनाते थे। जब श्री जी के मुखारविंद से हद बेहद से परे परम धाम की लीला, धाम स्वरूप का वर्णन होता है, अक्षरातीत की पहचान दी जाती है, आत्मा के स्वरूप की पहचान दी जाती है और अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया जाता है, तो जो श्री जी की चर्चा में आते हैं, जब आध्यात्मिक गूढ़ प्रश्नों का समाधान उन पंडितों से करना चाहते हैं तो उनको उत्तर नहीं आता। परिणाम स्वरूप उन्होंने सोचा कि हमारी तो बदनामी हो जाएगी कि हमें कुछ नहीं आता, इसलिए उन्होंने तय किया कि एक चुगलखोर से यह शिकायत कराई जाए कि यह जो नए महात्मा आए हैं हमारी देवी देवताओं की निंदा करते हैं और इस बहाने से इनको दीप बंदर से निकाल दिया जाए। जो वहाँ का बादशाह था, क्रिश्चियन था, जिसको फिरंगी कहा है अभी तक में, फिरंगी उस बादशाह का जो एक मित्र था, उस चुगलखोर को पैसे देकर वहाँ के कथावाचक पंडितों ने तैयार किया और उसको कहा कि जाकर के बादशाह से तुम शिकायत कर दो कि ये जो नए महात्मा आए हैं जो परम धाम के नाम पर सबको बहका रहे हैं, इनको इस नगर से बाहर निकाल दिया जाए। जैसे ही वो चुगलखोर बादशाह के दरबार में पहुंचता है, राज्य का जोश उसके मित्र का रूप धारण कर लेते हैं, राज्य का जोश वैसा रूप बना लेता है और वह स्वरूप उस फिरंगी के मित्र जो चुगलखोर था उसके सामने खड़ा हो जाता है। पूछता है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि इस नगर में कोई महात्मा आए हैं जो सभी देवी देवताओं की निंदा करते हैं और मैं फिरंगी बादशाह जो मेरा मित्र है उससे कहकर उनको नगर से मैं बाहर निकलवा दूंगा। वह स्वरूप कहता है कि क्या, राज्य का जो स्वरूप कहता है कि क्या तुमने देखा है किसी की निंदा करते हुए? फिरंगी बादशाह का मित्र कहता है कि नहीं, मैंने कहीं देखा तो नहीं है, मुझसे ऐसा कहा गया है और इसलिए मैं ये बात बादशाह तक पहुंचाना चाहता हूँ। वह जो स्वरूप कहता है, जब तुमने देखा नहीं है, अपने कानों से सुना नहीं है, तो झूठी चुगली का परिणाम क्या होगा, कभी तुमने सुना है? जो फिरंगी बादशाह के सैनिक उस महात्मा पर आपत्ति ढाएंगे, अत्याचार करेंगे और उस महात्मा के मुंह से जो बद्दुआ निकलेगी उसका परिणाम कौन भोगेगा, क्या तुमने कभी सोचा है? यह सुनते ही वह सहम जाता है, सोचता है कि मैं झूठी चुगली क्यों करूं? आज यही हो रहा है पूरे देश में। हिंदू समाज की आस्था किस पर है? झूठ पर। जहां परम धाम की बात कीजिए, एक अक्षरातीत की बात कीजिए, हिंदू समाज कहता है कि हमारी आस्था पर प्रहार हो रहा है। जैसे कुछ वर्षों पहले शंकराचार्य जी ने कहा था कि साईं बाबा कोई अवतार नहीं है, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, लोगों ने तूफान मचा दिया कि हमारी आस्था है साईं बाबा पर, हम क्यों नहीं पूजा करेंगे? पहली बात तो यह है, वेद का कथन है 100 लीला अद्वैत सच्चिदानंद अक्षरातीत को छोड़कर किसी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति स्वतंत्र है लेकिन उसकी स्वतंत्रता तभी तक है जब तक उसकी स्वतंत्रता से किसी व्यक्ति को, समाज को या राष्ट्र को या धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचती है। आपको मांस खाने की इच्छा है तो आप हमारे सामने मांस नहीं खा सकते हैं यदि उसकी बदबू हमें लगती है तो, लेकिन यदि हर व्यक्ति कहेगा कि मुझे हर चीज़ की स्वतंत्रता है
तो यहाँ से अनर्थ शुरू हो जाता है। किसी ने पत्थर की मूर्ति गढ़ ली, कहा कि हमारा ये परमात्मा है, हम तो इसकी पूजेंगे, हमारी ये भावना है। उसकी भावना हो सकती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को धर्म ग्रंथों के विपरीत, सत्य के विपरीत आचरण करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि यदि वह मिथ्या राह अपनाता है तो पूरा समाज उसका अनुयायी होता है और पूरा समाज पथभ्रष्ट हो जाता है। जब से शास्त्रार्थ की प्रक्रिया बंद हो गई, तब से जिसके मन में जो आता है नया पंथ बना लेता है, नया आचार्य बन जाता है, नया पंथ बन जाता है और मनमाने सिद्धांत गढ़ दिए जाते हैं जिसका वेद शास्त्र से कोई लेना देना नहीं। तुलसीदास जी ने रामायण में एक बहुत अच्छी बात कही है, जिम पाखंड विवाद से लुप्त भये सदग्रंथ। आप किसी को वेद की बात सुनाइए, अच्छा नहीं लगेगा। उपनिषद दर्शन गीता की बात सुनाइए, अच्छा नहीं लगेगा। अभी आपने देखा दो दिन पहले कितना जोर शोर था कांवड़ वालों का, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से करोड़ों जन्मों के पाप दूर होते हैं, यह बात लोगों ने रामचरितमानस में पढ़ लिया तुलसीदास जी के। बस एक परंपरा चल गई कि हमें गंगा जी का जल लाना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है। किसी ने यह नहीं खोजा कि रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है, यह वेद का कथन नहीं है, उपनिषद का कथन नहीं, गीता का कथन नहीं, वेदांत दर्शन का कथन नहीं, किसी ऋषि मुनि की वाणी नहीं है, तुलसीदास जी की अपनी भावना है, उससे उन्होंने कह दिया, लेकिन जिसके मन में जो आया वो कर रहा है। अभी इसी वर्षा ऋतु में गोगा जाहर पीर की पूजा होगी। गोगा जाहर वीर कौन थे, कहाँ के रहने वाले, किसी को मालूम नहीं। झुंड के झुंड लोग जाएंगे, उनको समझाइए तो कहेंगे कि हमारी आस्था का प्रश्न है। आस्था किस पर होनी चाहिए, सत्य पर आस्था होनी चाहिए। झूठ पर यदि आस्था होती है और उसके पीछे सब लोग चलते हैं तो सारे चलने वाले जैसे ऊंट की नकेल लिए हुआ व्यक्ति यदि गड्ढे में गिरता है तो उस नकेल से जितने ऊंट जुड़े होते हैं सारे उसी में गिर जाते हैं। इसी तरह से यदि हम सत्य मार्ग के अनुयायी हैं तो हमें शाश्वत सत्य प्राप्त होगा, यदि हम झूठ के पीछे चलते हैं तो हमें झूठ मिलेगा। आज लगभग 2,000-2,500 वर्षों से इस देश में मूर्ति पूजा शुरू हुई, षोडश उपचार पूजन होता है मूर्ति का। षोडश उपचार पूजन में क्या होता है, तांबुलम समर्पयामि, मिष्टान्नम समर्पयामि, एक और आता है स्नानम समर्पयामि। स्नान समर्पित थोड़े किया जाता है, स्नानम कार्यामि होता है कि हे परमात्मा हम आपको स्नान करा रहे हैं। संस्कृत बनाने नहीं आई तो अक्षतम समर्पयामि के साथ साथ स्नानम समर्पयामि भी हो गया। ऐसे उल्टे पुल्टे षोडश उपचार पूजन का प्रचलन हमारे देश में, हमारे हिंदू समाज में चल गया, उन बुराइयों को कौन हटाएगा, क्योंकि हिंदू समाज का 70% समूह ये जानता ही नहीं है कि उसके वेद में, उसके 6 शास्त्रों में, उसके गीता में लिखा क्या है। वो तो एक चीटी हार ऊंट कतार की तरह जैसा वो देखता है वैसा ही आचरण कर लेता है। वे कथावाचक पंडित भी श्री जी को हटाना चाहते हैं, किस लिए, चुगली करके। और इसको सबने जामा क्या पहना दिया है, हमारी आस्था पर प्रहार नहीं होना चाहिए। हमारी आस्था देवी देवता पर है तो उसको रोका क्यों जाता है, सच्चा देवता कौन है इसको तो कोई देखता नहीं। ग्रंथों में कहा गया है मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देव भव। माता देवता है, जन्म दिया है, पिता देवता है, पालन पोषण किया है, आचार्य देवता है, उसने ज्ञान दिया है। जो अतिथि धर्म उपदेश करने वाला अचानक ही हमारी बस्ती में आ गया है, नगर में आ गया है, वो देवता के समान है, उसकी सेवा करके उससे ज्ञान लेना चाहिए। ये कोई करता नहीं, पत्थर के देवता को बना रखा है घर में, उसी को मिष्ठान खिलाते हैं। सच्चा एक प्राणी आता है जिसके रूप में नारायण है, उसको रोटी का एक टुकड़ा नहीं देता, देते कोई दो मुट्ठी अन्न नहीं देते, दरवाजे से भगा देते हैं कि भाग जाओ, मस्टंडे हो गए हैं, भीख मांगने चल देते हैं, काम नहीं करते, भीख मांग कर गुजारा करते हैं। अरे भाई ठीक है, उसने गलती की कि भीख मांगने के लिए आपके पास आ गया,
लेकिन कभी रहीमदास जी की इस बात को तो याद कर लेते, रहीमन वे नर मर चुके जे को मांगन जाए, उनते पहले वे मुए जिनमुख निकसत नाए। वो तो बेचारा हाथ फैला दिया आपके सामने, आपके सामने चेतन नारायण हाथ फैला रहा है, उसको आप सूखी रोटी नहीं देते। पत्थर के नारायण को 56 भोग लगाते हैं तो क्या पत्थर का नारायण खा लेगा? यह बात किसी को समझ में नहीं आती कि लगाना भोग तुमको ये अपमान करना है, खिलाता है जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं? जो खाता नहीं उसको हिंदू समाज खिला रहा है, जो कितने बेचारे जंगलों में रहने वाले भूखों तड़प कर शरीर छोड़ देते हैं, उनको बड़े बड़े मठाधीश भी नहीं पूछते, बड़े बड़े शंकराचार्य नहीं पूछते कि वनों में रहने वाले आदिवासी भाइयों तुम भूख से तड़प रहे हो, तुम्हारे पास कपड़े नहीं, और उनके मठों में दोनों समय खीर पूड़ी के भंडारे चल रहे होते हैं। क्या उनके मंदिर में बैठे हुए भगवान खीर पूड़ी खा करके तृप्त होते हो रहे हैं? मंदिर वाले में बैठे हुए भगवान को दिखाई नहीं देता कि जंगलों में रहने वाले आदिवासी भूख से तड़प तड़प करके मर रहे हैं? उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? सात समुंदर पार से आए हुए क्रिश्चियन पादरी भारत के गांव-गांव नगर-नगर में जा जाकर अपने चर्च खोलते हैं, लोगों की सेवा के नाम पर धर्मांतरण करते हैं, लेकिन भारत के 70 लाख महात्मा अपने मठों में बैठे हुए आराम करते हैं, क्योंकि उनके भगवान मंदिरों में बैठे हुए हैं। न भगवान को मंदिर से बाहर जाने की स्वीकृति है, न मठों में रहने वाले बड़े बड़े स्थानधारियों को इच्छा है, लेकिन जो पुरुषार्थ करता है वही तो आगे बढ़ता है। इसलिए हिंदू धर्म सिमट करके रह गया है, घटता ही गया, और क्रिश्चियनिटी बढ़ती गई, इस्लाम बढ़ता गया, केवल हिंदू धर्म क्यों संकीर्ण बन गया? क्योंकि जिनके ऊपर उत्तरदायित्व था उन्होंने प्राणियों के अंदर परमात्मा को नहीं देखा, पत्थरों की मूर्तियों में भगवान को खोजा। आज से 5000 वर्ष पूर्व योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठते अर्जुन, हे अर्जुन सभी प्राणियों के हृदय मंदिर में परमात्मा रहता है। मठाधीश लोगों ने सोचा कि हमें प्राणियों के हृदय में नहीं देखना है, हमें तो पत्थर की मूर्ति बनवानी है जयपुर से, उसमें हीरे मोतियाँ सजा देना है, सोने का कलश चढ़ा देना है, सोने के सिंहासन चढ़ा देना है, इनसे क्या होना है? आप बड़े बड़े भंडारे कर दीजिए, उससे समाज को क्या मिलना है? यदि आप मानवता को धर्म ग्रंथों की शिक्षा नहीं दे सकते, यदि आप ब्रह्मवाणी का प्रकाश नहीं कर सकते, समाज को परमधाम का ज्ञान नहीं दे सकते, परमधाम के दर्शन का मार्ग नहीं बता सकते, तो बड़े बड़े भंडारों से, सोने के कलश चढ़ाने से, स्वर्ण सिंहासन से कुछ भी आध्यात्मिकता की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जब श्री जी की चर्चा से सारे कथावाचक पंडित चुगली कराकर निकालना चाहते हैं, परेशान होकर नहीं निकाल पाते हैं, तो परिणाम क्या होता है? उनके मुख काले हो जाते हैं। जब लोगों को पता चलता है कि आज चुगलखोर गया है चुगली करने, तो सब लोग डर के मारे छिप जाते हैं, कोई दीप मंदिर छोड़ करके रही भाग गया, सोचा कि फिरंगी बादशाह की सेना आएगी और हमको सबको जेल में डाल देगी, क्योंकि गोवा का अत्याचार सबको मालूम था। गोवा में पुर्तगालियों ने हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए बहुत सताया था, कितने लोगों की हत्या की गई थी, तड़पा तड़पा कर मारा गया था, वो भय सबके अंदर बैठा हुआ था। केवल जयराम कंसारा का परिवार ही ईमान पर खड़ा रहा, अन्यथा सब लोग डर के मारे छिप गए थे। अगले दिन, क्योंकि जो व्यक्ति फिरंगी के मित्र को समझा रहा था, फिरंगी बादशाह का मित्र जब आगे बढ़ता है तो देखता है कि वह तो है ही नहीं, वह तो कोई और नहीं था, राज्य के अवैध स्वरूप नहीं, जो स्वरूप नहीं वो रूप धारण कर लिया था, और उस फिर चुगलखोर को फिरंगी बादशाह के पास जाने से रोका था। अब श्री जी सोचते हैं कि यहाँ से मुझे अब निकलना चाहिए, 2 वर्ष हो गए, यदि मैं दीप बंदर में ही अकेले रहूँगा तो जागने कैसे होगी? परमधाम की आत्माएं हर जगह आई है, यदि बादल एक जगह ही बरसने लगें तो क्या होगा? वहाँ तो बाढ़ हो जाएगी, आफत आ जाएगी। इसलिए बादल बरसते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, धर्म प्रचारक को भी एक जगह बंधकर नहीं रहना चाहिए।
यदि एक ही जगह बंद करके रहेगा तो परिणाम क्या होगा? नदी में बहता हुआ जल ही अच्छा होता है, कुएं का जल अच्छा होता है, लेकिन उससे पानी निकाला जाता है तब तालाब का बधा हुआ जल कहीं ना कहीं दूषित अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वेद में एक बात कही गई है हमारे धर्म ग्रंथों में, चराय वेद चलते रहो चलते रहो। सन्यासी का लक्षण क्या होता है? अपने लिए कोई अस्थाई निवास ना बनाए, किसी स्थान से बंध करके ना रहे मुंह में, क्योंकि उसने घर का त्याग कर दिया है, उसको न भोजन से बंधना है, न किसी इच्छा से बंधना है, न किसी रिश्ते से बंधना है, बंधना है केवल परमात्मा से। लेकिन आजकल तो कोर्ट में बड़े बड़े सन्यासियों के मुकदमे चला करते हैं कि हमारी इतनी संपत्ति, हमारी इतनी संपत्ति। जो गृहस्थी जिसके लिए लड़ते हैं, आज का सन्यासी भी उसके लिए लड़ता है। अब जो परमधाम के ज्ञान को फैलाने के लिए श्री जी को हर जगह जाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही श्री जी कहते हैं कि मैं जाऊं जाना चाहता हूं, सुंदर साथ रोने लगते हैं कि धाम देनी आपने हमारा हाथ पकड़ा माया में, अब हाँ आप हमें छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं। इंद्रावती की आत्मा ने मूल स्वरूप से प्रार्थना की धाम देनी, कोई ना कोई बहाना बनाइए, और वही हुआ। राज जी श्री जी को आगे ले जाना चाहते हैं, अचानक अरब के डकैतों ने छापा मारा द्वीप बंदर पर, क्योंकि उनका पेशा ही रहा है दूसरों को लूटना खसोटना। हमारी भारतीय संस्कृति का एक उच्च आदर्श रहा है, भारतीय संस्कृति का अनुयायी कोई भी राजा किसी का राज्य नहीं लेता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब लंका को जीता तो रावण के भाई को ही राज्य दिया, स्वयं शासन नहीं किया। बाली को मारकर राम ने सुग्रीव को राजा बना दिया। अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से सभी राजाओं को अपने अधीन तो किया जाता है, लेकिन कोई किसी का राज्य नहीं लेता था। नहीं तो राणा प्रताप चाहते तो पूरे राजस्थान को जीत सकते थे, लेकिन हमारी आर्य परंपरा में कभी किसी के राज्य का हरण करने की प्रवृत्ति नहीं रही है। इसके विपरीत मुगल शासकों ने क्या किया, चाहे गोरी हो, गजनी हो, तैमूर लंग हो, चंगेज खां हो, सब ने दूसरों को लूटा, अपने राज्य का विस्तार किया। यही प्रवृत्ति अरब के लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। अरब का इतिहास ही खून से सना भरा पड़ा है। दूसरों की हत्या करना, दूसरों को लूटना उनकी प्रवृत्ति में रहा है। अभी कुछ वर्ष पहले एक परंपरा चला करती थी, गरीब एशियाई देशों से छोटे छोटे बच्चे अरब में मंगाए जाते थे। आज से 25-30 साल पहले मैंने पत्रिका में वो दृश्य देखा था। उनको ऊँट पर बैठा दिया जाता था और ऊँटों को दौड़ा दिया जाता था। ऊँटों पर बैठने वाला बच्चा जब खूब चीखता था, चिल्लाता था, तो अरब के शेख ताली बजा करके हंसते थे, कितना मजा आ रहा है, क्योंकि उनके संस्कार में है दूसरों को पीड़ा देख कर खुश होना। जबकि भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया है, दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जीवन में एक चींटी को नहीं मारा होगा, किसी हिरण को नहीं मारा होगा। हाँ, उन्होंने अत्याचारियों पर जरूर तीर छोड़े, लेकिन किसी निर्दोष बालक पर, निर्दोष प्राणी पर कभी भी हथियार नहीं उठाया। अब जैसे जैसे समय बीतता है, संसार में परिवर्तन होता रहता है। अरब के डकैतों ने जो द्वीप बंदर पर छापा मारा, लोगों का अपहरण करके ले गए। उसमें तेज क्यूरी जी भी थी, उनको भी कैद में ले जा करके डाल दिया वहाँ कारागार में, और छुड़ाने के लिए सबके घरों में सूचना भेज दी कि यह व्यक्ति हैं जो जो अपने परिवार के संगे संबंधियों को छुड़ाना चाहते हैं, वो इतना पैसा दे करके ले जाए। ये तो एक बहाना था कि बाईजूराज जी को छुड़ाने के लिए श्री जी को जाना पड़ेगा अरब, क्योंकि इसी बहाने ठट्ठे नगर में लालदास जी की आत्मा प्रतीक्षा कर रही है, चिंतामणि की आत्मा प्रतीक्षा कर रही है, मस्कत बंदर में, आवासी बंदर में सभी ब्रह्मात्माएं प्रतीक्षा कर रही हैं। ये तो कार्य कारण बस बहाना बनाया गया है कि इसी बहाने श्री जी के चरण कमल वहाँ पड़ें, उन आत्माओं की जागनी हो।
अब श्री जी तेज गौरी जी को छुड़ाने के बहाने परम धाम की आत्माओं के लिए को जगाने के लिए जब जाने को कहते हैं, सब सुंदर साथ खुशी खुशी वहाँ से जाने देता है। आप देखिए श्री जी नौतनपुरी से चले हैं, नौतनपुरी से चल करके अहमदाबाद में कारागार में कुछ समय रहे, उसके पश्चात दीप बंदर आते हैं। दीप बंदर से मस्कत आवासी बंदर आएंगे, पुनः लौट करके सूरत आएंगे, दोबारा नौतनपुरी नहीं गए, क्योंकि वह स्वरूप आया है सबके लिए, सबका आए। सूरत से चलकर मेड़ता होते हुए दिल्ली आएंगे, पुनः हरिद्वार आएंगे, दिल्ली से उदयपुर मंदसौर औरंगाबाद रामनगर होते हुए पन्ना आएंगे। जगह जगह जाना है, हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। एक जगह मठ बना करके गादी बना करके रह जाते तो ज्ञान का फैलाव नहीं होता। संसार में ज्ञान का प्रकाश कब होता है? जब इसके संदेश वाहक सब जगह जाते हैं, ज्ञान का प्रकाश करते हैं। सूर्य देखिए, क्या सूर्य स्थिर है? चंद्रमा स्थिर है? सृष्टि का कोई भी कण स्थिर नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितनी तेजी से घूम रहे हैं, प्रकाश की गति से घूम रहे हैं। 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के गति से एक मोलेक्युल्स अणु घूम रहा है, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूम रहे हैं। और हम यदि बिना कुछ काम किए अकर्मण्यता की चादर ओढ़ करके चुपचाप बैठ जाते हैं मठ बना करके, सवेरे भोजन कर लिया, दोपहर को राजभोग लगा कर खा कर सो गए, 3 बजे उठे नहाए धोए क्योंकि घंटी घड़ियाल बजाना है, फिर शाम को आरती पूजन किए खा करके फिर सो गए, इस तरह की दिनचर्या से क्या मिलने वाला है? यदि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में लगे हैं वो के अंदर पुरुषार्थ नहीं आएगा, धर्म ग्रंथों का अध्ययन और उसके प्रसार की प्रवृत्ति नहीं जगेगी, तब तक समाज का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। पूरा हिंदू समाज ऐसे ही सोया रहेगा। और हम जब सुंदर साथ जागने का डंका बजाते हैं तो हमें याद रखना होगा, हमें सोए हुए सुंदर साथ को जगाने के लिए समाज में एक जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, हमें आलस को ठोकर मारनी पड़ेगी, हमारी दिनचर्या में कठोर अध्यवसाय होना चाहिए कि हमें इतने घंटे अध्ययन करना है, इतने घंटे ध्यान करना है, इतने घंटे लोगों को परम धाम का ज्ञान सुनाना है। 40,00,000 सुंदर साथ हैं, 40,00,000 में मैं समझता हूँ 4,000 भी दृढ़ संकल्पवान हो जाएं कि हमें इतने घंटे अध्ययन करना है, इतने घंटे ये करना है, तो समाज का कायाकल्प हो जाए। आप देखेंगे पांडुरंग शास्त्री ने स्वाध्याय नाम का एक मत चलाया, महाराष्ट्र के थे, उन्होंने भंगी तक को पूरी गीता कंठस्थ करा दी। उनके अनुयायियों में लाखों लोग इकट्ठे होते थे, 3 घंटे का उनका प्रवचन होता था और उनके कई कई लाख की संख्या आती थी, 1-2 लाख नहीं, कई लाख की संख्या, 4-5 लाख की संख्या आती थी। हर कोई अपने घर से भोजन लाता था, स्वयंसेवक भी सारे उनके रहते थे। पांडुरंग शास्त्री आए, कुछ घंटों का प्रवचन करके चले गए, खर्चा क्या हुआ? कुछ खर्चा नहीं, सब अपने भाड़े से आए, अपने घर से भोजन लाए, उनका प्रवचन सुन करके चले गए। ये तो कहानी आज से 40 साल पहले की है। आज स्थिति क्या है? आज तो सारे संसाधन हैं, फिर भी हम एक छोटा सा कार्यक्रम करते हैं, 5,000-10,000 की संख्या होती है, लाखों की संख्या इकट्ठी होती है, ज्ञान चर्चा नाम मात्र को होती है, वही ढोलकों की थाप, वही नाच कूद, वही तमाशे, वाणी का भी अच्छा संगीत से अच्छे संगीत के स्वरों में प्रस्तुत किया जाता तो भी आत्मा को कुछ आनंद मिलता। इसलिए समाज को यदि जागने की दिशा में हमें मोड़ना है तो हमें अपने अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करना पड़ेगा। श्री जी वहाँ से जगाने के लिए सबको चल देते हैं, कच्छ, वो वहाँ कच्छ पहुँचते हैं, मड्डई कच्छ थावर भाई मिलते हैं वहाँ से, और उसके पश्चात आगे जब जाते हैं तो प्रागमल भाई मिलते हैं। श्री जी सबको कठोर शब्दों में फटकारते हैं कि तुम परम धाम से आए हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तुमने अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए क्या किया। सभी सुंदर साथ शांतपूर्ण होकर के उनके वचनों को सुनते हैं।
कलश हिंदुस्तानी में एक प्रसंग आता है जिसमें इंद्रावती जी की आत्मा कहती है कि मैंने कठिन वचन जो तुमको कहा है वे मुझे अभी भी पीड़ा दे रहे हैं। जब प्रसंग आता है कि दुख न देव फूल पांकड़ी दिखाऊं शीतल ने उपजाऊं सुख सबों अंगों बुलाऊं मीठे वे, मैं किसी को फूल की पंखड़ी से मारने पर कष्ट होता है मैं उतना भी कष्ट नहीं दे सकता, लेकिन मैं जो तुमको कठिन वचन मेरे मुख से निकल गए मुझे अपनी मेरा हृदय कहीं ना कहीं बिलख रहा है कि मैं अपने प्यारों को मैंने इतने कठिन शब्द क्यों कहे, लेकिन ये तो होना था। मूल स्वरूप ने सबकी आत्मा को जागृत करने के लिए ऐसी लीला दिखाई। श्री जी जहाँ भी जाएंगे कुछ न कुछ कठोर शब्दों में सबको जागरूक करेंगे, क्योंकि लंबा समय हो गया है श्री देवचंद जी से तारतम्य लिए हुए इन सुंदर साथ को, और इन्होंने जागने में कोई प्रगति नहीं की थी। श्री देवचंद जी के तन से 313 सुंदर साथ ने तारतम्य लिया था और उनके अंतर्धान के पश्चात सभी सो गए, क्योंकि वाणी चर्चा नहीं होगी चितवनी नहीं होगी तो सब सो जाएंगे। आज भी हमारी यही कहानी है, 300 वर्ष हो गए, हमारे समाज में लगभग 400 मंदिर हैं, 40 लाख के लगभग सुंदर साथ हैं, लेकिन अधिकतर स्थानों पर वाणी चर्चा बहुत कम होती है। ये बीतक है जिसने हमारे समाज को जीवंत बनाए रखा है, क्योंकि बीतक के समय में किसी न किसी बहाने से कुछ वाणी का प्रकाश आ जाता है बीतक के रूप में। शेष साल भर जैसा कार्यक्रम होना चाहिए वैसा नहीं होता है, परिणाम यह है कि हमारा समाज सुसुप्ति की अवस्था में ही रहा। अब श्री जी वहाँ से कपाइये आते हैं, कपाइये में उनके भाई रहते हैं हरिवंश जी, उनके बड़े भाई रहते हैं। श्री जी ने ये नहीं देखा कि मेरा बड़ा भाई है, उनको भी जाकर खूब खरी खरी बातें सुनाई कि तुम माया में इतने लिप्त हो गए हो कि राज्य की तरफ तुम्हारा कोई ध्यान नहीं। उसके पश्चात श्री जी भोजनगर में आते हैं, भोजनगर में वृंदावन, हरिदास जी के बेटे हैं वृंदावन जी, वृंदावन ने भी तारतम्य लिया होता है श्री देवचंद जी से। हरिदास जी को जब पहचान हो गई थी कि श्री देवचंद जी के अंदर अक्षरातीत लीला कर रहे हैं, तो जो पहले गुरु थे अब वो आकर के श्री देवचंद जी के चरणों में तारतम्य लिए, वृंदावन भी लिए, और उन्हीं वृंदावन के पास पहुंचकर श्री जी ने उनकी आत्मा को पुनः जागृत किया। सब वाणी के ज्ञान का प्रकाश पा करके जागृत हो जाते हैं, और तब श्री जी वहाँ से मंडी होते हुए अब ठट्ठा नगर आते हैं। ठट्ठा नगर में नाथा जोशी से भेंट होती है। अब आगे की कथा चलेगी किस तरह से नाथा जोशी, जैसे पहले श्री जी के चरणों में आए होते हैं श्री देवचंद जी के चरणों में, नाथा जोशी से भेंट के पश्चात वाणी चर्चा का प्रवाह चलता है, कैसे कैसे ठट्ठे नगर में चिंतामणि की आत्मा जागृत होती है, ये घटनाक्रम बहुत ही रोचक है, हमारे लिए प्रेरणादायी है, उसकी चर्चा सुनेंगे कल। आज की चर्चा ने हमें बहुत कुछ शिक्षा दी कि किस प्रकार से कितना भी संकट हो हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। जैसे द्वीप बंदर पर फिरंगी बादशाह का डर बैठा कि चुगलखोर चुगली कर देगा, सेना आएगी हमें सताएगी, सब सुंदर साथ ने ईमान धर्म अपना छोड़ दिया, केवल जयराम भाई का परिवार खड़ा रहा। उसी तरह से वाणी चर्चा के कार्यक्रम में हमें कितना भी कष्ट झेलना पड़ता है हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमें यह सोचना चाहिए कि राज्य हमारे साथ हैं, कोई भी कठिनाई आएगी तो टल जाएगी। आप सागर की लहर के सामने खड़े हो जाइए, सागर की लहर आएगी और आप अपने पैर दबाए रखिए, आपको छू करके चले जाएगी, आपको बहाएगी नहीं, लेकिन पैर आपका हल्का रहा तो आप सागर में बह जाएंगे। उसी तरह से यदि आप राज्य के अटूट ईमान पर खड़े रहते हैं तो माया आपका कुछ भी नहीं कर पाएगी। यदि आपकी उम्र ढल रही है तो आप संसार के आकर्षण में ना फंसिए, क्योंकि आप का प्राणेश्वर आपकी आत्मा के धाम हृदय से भी निकट है, और उनकी एक ही पुकार है
कि धाम की लीला को छोड़कर संसार की तरफ आप न देखिए। यदि आप संसार की तरफ देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप माया में भटकते जाएंगे। माया का आकर्षण ऐसा है कि वो आपको खींचता जाएगा, और यदि आप विवेक धारण नहीं किए तो बहुत देर हो जाएगी, और देर हो जाने के पश्चात सिवा पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला है। जो समय गया वो पुनः आने वाला नहीं है। आपके लिए चितवनी का एक एक दिन कीमती है। एक एक दिन आप जो एक घंटे दो घंटे चितवनी करेंगे, एक दो घंटे आप वाणी का चिंतन करेंगे, तो यह आपकी अखंड संपदा होगी। और सारे समाज में यही प्रवृत्ति पैदा करनी है कि हर सुंदर साथ, चाहे कहीं भी रहता हो, किसी भी मंदिर से जुड़ा हो, किसी भी स्थान से जुड़ा हो, अपनी दिनचर्या में वाणी के चिंतन को प्रतिदिन अवश्य शामिल करें, प्रतिदिन चितवनी करें। ऐसा रात्रि का कोई समय ना हो, प्रातःकाल ऐसा कोई न गुजरे जिसमें किसी सुंदर साथ ने धाम देने की चितवनी नहीं की हो। और यह न करने के कारण ही श्री जी ने जयराम कंसारा को कठोर शब्दों में फटकारा, हड्डी चूसने वाले कुत्ते से उपमा दे दी। अपने सगे भाई को फटकारा, बड़े भाई को फटकारा, भोजनगर में जाकर वृंदावन को फटकारा, क्योंकि वे सुंदर साथ चर्चा चितवनी से दूर हो चुके थे। आज सोचिए, आज तो सारा देश ही, सारा सुंदर साथ ही चर्चा से चितवनी से दूर हो चुका है। लाखों रुपये के कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े वार्षिकोत्सव होते हैं, लाखों के कलश चढ़ाए जाते हैं, प्रवचन करने वाले 10-10, 15-15 मिनट का प्रवचन देकर के कर्तव्य की इति कर लेते हैं। किसी को पता ही नहीं चलता कि हमारा परम धाम क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, परम धाम की चर्चा क्या है, चितवनी क्या है। सारा समाज इससे दूर हो जाता है, और ये कष्टकारी है। ये प्रकरण यदि सारे समाज को आत्मसात हो जाए कि जब सतगुरु धनी श्री देवचंद जी से तारतम लिए हुए सुंदर साथ ने चर्चा चितवनी से अपने को अलग नहीं किया, तो श्री जी ने कितने कठोर शब्दों में फटकारा। आज हमारा सारा समाज ही उसी राह पर चल रहा है, तो हम कहीं ना कहीं फटकार के दोषी हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सबको फटकार लगाए, और उसकी फटकार को सहन करने वाला भी कोई समय नहीं है। इसलिए बीतक के घटनाक्रम से सबको स्वतः शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि हम भी चर्चा नहीं सुनते हैं, सुनाते नहीं, चितवनी नहीं करते हैं, या किसी को चितवनी नहीं सिखाते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं इसी दोष के भागी हैं। अब चुपाई दोरे। श्री महामति कहे ए साथ जी, दीप से ले ठट्ठा में, अब फिर कहूँ ठठे की, भई भी तक जो हमसे, भई भी तक जो हमसे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।